Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप लोग भी अच्छे होंगे. तो मेंस की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग. तो वीक में आपको एक या दो दिन मेंस की क्लास होगी, जो हमारा शेड्यूल है. जैसे फॉर एग्जांपल कल हम 3 o'clock पर 100 करेंट अफेयर्स MCQs लेंगे January 2 में, जो हम करते हैं. तो इसी तरह मेंस के लिए भी आपकी क्लास शुरू हो चुकी है. यकीनन आपको हाई लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे. सेशन को देखिएगा पूरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आपको उसके आंसर भी देने हैं और अपनी नॉलेज को भी चेक करना है. तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर, और सेशन को आपको लाइक भी कर देना है. चलिए पहला क्वेश्चन. विच बैंक फॉर्म वेंचर मीन्स कंपनी विथ सेंट्रम वेल्थ टू प्रोवाइड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज. यानी किस बैंक ने सेंट्रम वेल्थ नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, और इस ये कंपनी का वर्क क्या होगा? प्रोवाइड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज. हमारे सामने चार ऑप्शन है, अगर आपको राइट आंसर चूज करना है. आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, यकीन मानिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिखने को जरूर मिलेंगे, मेरा वादा है आपसे. चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर देना शुरू करें. और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, तुषार ने बोला है सी मतलब करूर वैश्य बैंक, क्या ये सही आंसर है? तो इसका आंसर है करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो करूर वैश्य बैंक इज राइट आंसर. इन दोनों की जो कंपनी बन रही है उसमें 51% शेयर होंगे करूर वैश्य बैंक के. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू की. Which bank has partnered with Honda Motorcycle and Scooter India for providing financing solution for vehicle across the country? यानी इसमें से किस बैंक ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है? अंडर दिस एग्रीमेंट ये बैंक होंडा मोटरसाइकिल जो कस्टमर परचेस करते हैं उनको लोन प्रोवाइड करेगा. आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द आंसर गाइस? यहाँ पे शिव कुमार काफी बरसात बादल फूल खिलाते हुए. शिव कुमार भाई, क्या हाल चाल है आजकल? काफी खुश लग रहे हो. चलिए इसका आंसर क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर यहां पे बच्चे SBI दे रहे हैं, क्या ये सही आंसर है? तो IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक इज राइट आंसर. तो IDFC फर्स्ट बैंक और होंडा मोटरसाइकिल के बीच में एग्रीमेंट है. जो भी कस्टमर लोन लेगा IDFC फर्स्ट बैंक से, 48 मंथ का टेन्योर है लोन का, 48 मंथ का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने, What is the metric which define operating liquidity available to a business known as, asked in SBI PO mains 2017 exam. What is the metric which define operating liquidity available to a business known as? मतलब जो बैंक के डेली के खर्चे हैं, रोजाना के खर्चे हैं, वो किससे पूरे होते हैं, ये आपसे पूछा गया. ये क्वेश्चन SBI में आ भी चुका है. आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा? चलिए आंसर दीजिए, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है. बैंकों की डेली जो एक्सपेंसेस हैं वो किससे कवर किए जाते हैं? क्विक रेशियो से, या अकाउंट पेबल टर्नओवर से, या वर्किंग कैपिटल से, या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल से? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्किंग कैपिटल. तो अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी लिख लीजिए. इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो चलिए ये याद कर लीजिएगा. ठीक है, हम आगे बढ़े और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर की. यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स अप अ कमेटी ऑन कॉरपोरेट लोन्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसीज ऑफ द डेब्ट मार्केट. इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? यानी कि डेब्ट मार्केट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई. इस कमेटी में कितने मेंबर है, ये आपसे पूछा गया है. इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन है TN मनोहरन, जो कि चेयरमैन है कैनरा बैंक के. इस कमेटी को लीड करेंगे TN मनोहरन, कैनरा बैंक के चीफ हैं ये. और आपको मेंबर्स बताने के, कितने इसके मेंबर्स हैं? चलिए आंसर दीजिए. और यहाँ पे सुरभि कृति का सही आंसर आ चुका है, इसका आंसर क्या होगा? 6. तो 6 मेंबर थे और चेयरमैन का नाम मैंने आपको बता दिया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की.
नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज टाइड अप विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स टू ऑफर लोन्स फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट अंडर अ को लैंडिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट. क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए, यानी इसमें से किस कंपनी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ एग्रीमेंट किया है, यानी कि इस कंपनी के लिए कोई कस्टमर अगर इनसे कोई इक्विपमेंट परचेस करता है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स उस कस्टमर को लोन देगा. आंसर देखिए इसका आंसर होगा, पढ़ाया हुआ पॉइंट है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है. अरविंद का पहला आंसर आ चुका है और इसका आंसर क्या होगा, SREI इक्विपमेंट फाइनेंस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भूलिएगा नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. आपसे पूछा गया रुपीज 200 बैंक नोट हैज अ मोटिफ ऑफ विच साइट ऑन द रिवर्स, तो 200 रुपए के नोट के पीछे कौन सा साइन होता है ये आपसे पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, 146 × 66 इसका डायमेंशन है आपको पता है. 25 अगस्त 2017 को ये प्रिंट किया गया 200 रुपए का नया नोट ठीक है, और इस पर कौन सा, जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर सांची स्तूप होगा. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. विच फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म लॉन्च ट्रेड AI इंजन इन पार्टनरशिप विथ IBM, यानी इसमें से किस फाइनेंशियल सर्विस मतलब कि किसने इसमें से किस कंपनी ने IBM के साथ एक एग्रीमेंट किया है फॉर AI इंजन, ट्रेड AI इंजन, आर्टिफिशियल इंजन, तो इसका आंसर आपको देना है. ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा. चलिए, ये क्लास पूरी तरह से बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम पर फोकस की गई है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का. अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं. इसका आंसर सोनम चौधरी ने HDFC बोला है, तो क्या HDFC सही आंसर है, तो मैं तो बोलूंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने करंट अफेयर्स के एक्स्ट्रा इलाइट में, मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है. चलिए, और आप लोग वही सारे बच्चे हैं जो मेरा करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, गलत आंसर दे रहे हैं, बड़े दुख की बात है ये, है ना. आइए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. मेरे आंखों में आंसू आ गए दुख के मारे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूं. क्वेश्चन नंबर 8, What is the maximum rate of service charge revised by Reserve Bank of India for the non-chest bank branches which has deposited in the modern currency chest? मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ और मेरे मिर्जापुर में एक लीड बैंक है इलाहाबाद बैंक, बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी वर्क करता है, इलाहाबाद बैंक भी वर्क करता है. तो जब किसी ब्रांच में एक्सेस मनी हो जाती है तो वो अपना पैसा लीड बैंक के पास करेंसी चेस्ट में जमा करते हैं पैकेट के फॉर्म में. तो एक पैकेट में 100 नोट होते हैं, तो अगर SBI अपना एक पैकेट यहां पे जमा करेगा तो पहले 5 रुपए चार्जेस थे जो कि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, बढ़ाकर इसे 8 रुपीज कर दिया गया, बिल्कुल सही. तो आंसर इज ₹8 पर पैकेट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन है. विच सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 गिव्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द सोल राइट टू इशू बैंक नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, मतलब कि RBI एक्ट 1934 का वो कौन सा सेक्शन है जो RBI को पावर देता है कि वो हमारे देश में करेंसी इशू कर सकता है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और आपको इसका सही आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए. यहां पर स्वप्निल, आई एम वेरी गुड, और आप कैसे हैं आप बताएं, आप भी बताइए अपना. चलिए इसका आंसर क्या होगा, सेक्शन 22 इज राइट आंसर गाइस, आप लोग तो बैंकिंग में रॉकस्टार बन गए सारे के सारे लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और भी क्वेश्चन बैंकिंग के आएंगे, देखते हैं कितने रॉकस्टार हम लोग बने हो. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो नेम द बैंक विच एग्री टू बाई स्टेक इन INX. देखो ये क्या है, ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी कंपनी है जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में इसका ऑफिस है, गुजरात गिफ्ट सिटी, ठीक. तो कौन सा बैंक इसमें शेयर एक्वायर कर रहा है 31 करोड़ रुपीज देके, ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे. और इसका आंसर क्या होगा, अभी तक आंसर तो नहीं आया है आंसर की बात करें तो, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ICICI बैंक होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. अभिनाश आप एक्सिस बैंक बोल रहे हैं, जावेद आप भी एक्सिस बैंक बोल रहे हैं, शिवांगी आप भी एक्सिस बैंक बोल रही हैं. मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं लेकिन यहां पर एक आंसर गलत है बेटा, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड $750 मिलियन टू इंडिया फॉर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन. इसमें से कौन सी बॉडी रेलवे को रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए $750 मिलियन का लोन दे रही है, ये आपसे पूछा गया है. पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है जी बिल्कुल भी. और यहाँ पे हरीश चौधरी का पहला आंसर आया, बोल रहे हैं ADB, नमो अगेन बोल रहे हैं ADB,
और हरीश बोल रहे हैं जीपी ठीक है, अरविंद बोल रहे हैं जीपी इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, एंड ताको हिको नकाओ इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ताको हिको नकाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक एंड दिस बैंक ज्वाइंट हैंड फॉर वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजेक्शन, यानी वर्ल्ड बैंक ने और इस बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है पहला फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजेक्शन करने के लिए, इसका नाम क्या है मैंने आपको बताया है, इसका नाम है आई बॉन्ड, याद है ना आपको आई बॉन्ड। चलिए आंसर दीजिए, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। और आंसर आने शुरू हो गया, वेरी गुड फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग, जय माता दी रॉक्स। और आंसर क्या है, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज आर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा मनी मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। मनी मार्केट में आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सब, इन सब को आरबीआई एक्ट 1934 के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, ये आपसे पूछा है। आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और यहां पे सोनाली ने गलत आंसर दे दिया है। चलिए और देख लेते हैं, यहां पर हरीश ने भी गलत आंसर दिया, इसका आंसर है 45U, सेक्शन 45U, सेक्शन 45U इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाइड अप विद द एफएमसीजी आर्म ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग आपने नाम सुना होगा, श्री श्री रविशंकर जी का ये अपना एक इंस्टीट्यूट है और आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट होता है एफएमसीजी, एक का मतलब कई सारी चीज़ें। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप बात करें टूथपेस्ट की, ब्रश की, कर्ड की, मिल्क की, ये सब, तो किस बैंक ने ये बोला है कि अगर आप इसके एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 15% का कैशबैक मिलेगा, वो बैंक कौन सा है, वो बैंक है जी हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और योनो एप्लीकेशन इज राइट आंसर, एसबीआई योनो एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 15th क्वेश्चन की, Who launched a document named Payment and Settlement System in India, Vision 2019-21 recently? किसने लॉन्च किया है इस कमेटी, मतलब कि ये जो विजन है इसके पीछे नंदन नीलकनी को अपॉइंट किया गया है और इस बॉडी का ये टारगेट है कि 15% मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे जीडीपी में 15% कैशलेस ट्रांजेक्शन हों, तो इसका आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विथ आईएमजीसी फॉर अ मॉर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन, तो इसमें से किस बैंक ने आईएमजीसी नाम की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर मॉर्टगेज गारंटीड बैंक बैक्ड होम लोन की। इसका मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, जब मैं बैंक से लोन लेता हूं और मेरे पास बैंक के पास सिक्योरिटी के लिए मेरी कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक लैंड हो गया, मेरा मकान हो गया, खेत हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट बिल्डिंग या मॉल, भाई हम लोग भगवान कृष्ण नहीं है, हम लोग हनुमान जी नहीं है कि हम इमोवेबल असेट को उठा ले, हाँ मतलब याद है ना कुछ, तो हम नॉर्मल इंसान है तो हम इस इमोवेबल प्रॉपर्टी को हिला नहीं सकते, तो जब हम इमोवेबल प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं और लोन लेते हैं उसे मॉर्टगेज बोलते हैं। इसका आंसर एचडीएफसी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं 17 क्वेश्चन की आपके सामने, देखिए फॉरेन करेंसी विच हैज टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, मतलब ऐसी मुद्रा जिसके प्रवृत्ति में शीघ्र प्रवास की प्रकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी मनी जो कहीं पे टिक्के नहीं रहती है, आज आपके पास कल मेरे पास किसी और के पास हम उसे क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आइए और बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, इसका आंसर क्या होगा, अरविंद ने सही आंसर दिया है और क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हॉट करेंसी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसी मनी जो कहीं पे टिक्के नहीं रहती उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट करेंसी बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल यूएस डॉलर आप देख लीजिए, या फिर FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं इन्हें भी हम हॉट मनी बोलते हैं। ठीक है चलिए हॉट करेंसी मनी की बात है, आगे बढ़े और बात करते हैं 18 क्वेश्चन की, 18 क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च अ को ब्रांडेड मल्टी करेंसी, ये आप मुझसे लिखकर कहीं स्टैंप पे ले लो, इस साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है,
Which of the following bank launched a co-branded multi-currency card along with online travel booking portal IBIBO? गो आईबीबो, क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, आपको मैंने बताया था कि गो आईबीबो की तरफ से इसमें आपको 15,000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, 20,000 का कैशबैक इसमें है ना, कुछ याद है आपको? क्या इसका आंसर होगा? आंसर आने शुरू हो गए हैं, क्या इसका आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन की बात करते हैं. विच कंपनी टाइज अप विथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर व्हीकल लोन? यानी कि इस कंपनी ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक एग्रीमेंट किया है. इस कंपनी ने बैंक से बोला है कि हे बैंक, अगर मेरा कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उसे व्हीकल लोन देने का कष्ट करें. तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, व्हाट इज द राइट आंसर? आइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? और वर्षा ना, वर्षा का पहला आंसर आया है, सही आंसर आया है. और इसका आंसर क्या है? अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है. ठीक है, चलिए, तुम लोग को डराएंगे नहीं, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, है ना. आगे बढ़ते हैं, 39 क्वेश्चन की बात करते हैं. आइए, बढ़िया क्वेश्चन. कंप्यूटर जी, नीचे वाला पॉइंट हटा दीजिए, नीचे वाला, ठीक है, ताकि बच्चों क्वेश्चन देखे पूरा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक? इसमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सही तथ्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया है. और आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर हुआ, देख लीजिए. पहला पॉइंट, मैक्सिमम लोन साइज टू अ सिंगल पर्सन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल कैपिटल फंड, कैन नॉट एक्सीड 15% इन द केस ऑफ ग्रुप. ये तो मैंने पढ़ाया था, क्या ये सही आंसर है? At least 50% of its loan should constitute loans and advances of up to 25 lakh. क्या ये सही है? मैंने पढ़ाया तो था. Minimum paid up capital 100 करोड़ अगर आपको लाइसेंस चाहिए, क्या ये सही है? मैंने पढ़ाया था. चौथा पॉइंट भी देख लीजिए, 25% ब्रांच इन अनबैंक्ड एरियाज, क्या इसका सही आंसर होगा? तो हरीश चौधरी का पहला आंसर हो गया, शिवांगी स्किप मत करिए, सीखिए. इसका आंसर अरविंद पूछना है, ई, तो इसका आंसर होगा ई ना, एक मिनट, इसका आंसर ई होगा ना जी. बाकी के सारे पॉइंट तो सेटिस्फाई कर ही रहा है. आप देखो ना, देखो, दे कैन नॉट सेट अप सब्सिडरी टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज. मतलब ये अपने अंडर में कोई अपना दूसरा फर्म ये बना नहीं सकते जो कि एनबीएफसी की तरह काम करता हो. बात समझिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला ही काम करेंगे, ये और कोई काम नहीं कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट लॉन्च एन एजुकेशनल प्रोग्राम डिजिटल सखी इन तमिलनाडु फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? इसमें से किस कंपनी ने तमिलनाडु में डिजिटल सखी नाम का एक एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें फीमेल्स को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाएगी? आंसर दें. हाँ हाँ हरीश, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, आपको काफी ज्ञान भी है, समझ गए. चलिए आंसर दें, इसका आंसर है एलएनटी लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं. विच एयरलाइन रिज्यूम इट्स फ्लाइट टू पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सस्पेंशन? एग्जैक्टली में 2008 में क्या हुआ था? इस्लामाबाद में एक होटल है, मैरियट होटल नाम था, मैरियट, उसमें बम ब्लास्ट हो गया था. तो इस कंपनी ने अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था, जिसने 10 साल के बाद फिर से लॉन्च किया है, वो एयरवेज कंपनी कौन सी है? इसका आंसर आपको देना है. काफी अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, और आज का पूरा सेशन इकोनॉमिक बैंकिंग और फाइनेंस क्वेश्चन पर ही है. और प्रियंका का सही आंसर यहां पर आ गया है, शायद ये तुक्का हो शायद. एंड राइट आंसर इज ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड? इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया है, और आपको उसका राइट आंसर चूज करना है, क्या इसका आंसर होगा? चलिए आंसर दें जल्दी जल्दी फटाफट, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए. और ये वाली क्लास जो है ये छोड़िएगा मत, मेंस तक मत छोड़िएगा, बिल्कुल ये बोल दे रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये आपका होने वाला है आपके एग्जाम के लिए. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जिद्दा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जिद्दा सऊदी अरेबिया इज राइट आंसर. ठीक है ठीक है ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन की बात करते हैं. तो विच कंपनी हैज लॉन्च अ टू व्हीलर लोन नेम्ड सबसे खास लोन? इसमें से किस कंपनी ने एक टू व्हीलर लोन, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप गए रॉयल इनफील्ड के शोरूम में और आपको बाइक परचेस करनी है, बट आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो आप व्हीकल लोन लेते हैं ना, तो किस कंपनी ने टू व्हीलर लोन लॉन्च किया है सबसे खास लोन? आंसर दें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये.
और यहाँ पे अरविंद बोल रहे हैं L&T फाइनेंस, क्या ये सही आंसर है? और देख लेते हैं यहाँ पर, विश्वजीत बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बजाज ग्लोबल। ओके 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 ओके, इसका आंसर क्या होगा? L&T फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। L&T फाइनेंस इज राइट आंसर, नॉट बजाज ग्लोबल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने 25 क्वेश्चन की। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड अ 75% स्टेक ऑफ ड्यूश बैंक? इसमें से किस कंपनी ने ड्यूश बैंक के 75% शेयर एक्वायर कर लिए हैं, ये आपसे पूछा गया है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरवजीत बेटा, हिंदी में क्वेश्चन कैसे दे तुम्हें, हिंदी में नहीं पढ़ पाते हम लोग। मैंने बोला था ना, ऐसी मुद्रा जिसके प्रकृति में शीघ्र प्रवास की प्रवृत्ति होती है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, समझो। सिंपल क्वेश्चन है, मैं हिंदी में बोल तो रहा हूँ बेटा। यश अग्रवाल NTPC के लिए फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आंसर इज इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर सी। इन्फोसिस इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, न TCS न विप्रो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 26 क्वेश्चन। विच इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लायर हैज कोलाबोरेटेड विद सतीश धवन स्पेस सेंटर टू मैन्युफैक्चर इंडियाज लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक? ये इस वीक के क्वेश्चन नहीं है, पहली बात, ठीक है, परेशान मत होइए, ये सब पुराने भी क्वेश्चन थोड़े से हैं, एक दो महीने पुराने भी हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा कि किस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लायर ने सतीश धवन स्पेस सेंटर के साथ एग्रीमेंट किया है टू मैन्युफैक्चर इंडियाज लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक? इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में ये बनेगा, और इसका आंसर है VRV एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड। VRV एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड ये लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक जो बना रही है वो इसरो के लिए बना रही है आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 27 क्वेश्चन। हिंदुस्तान यूनिलीवर अंकिता बेटा एक FMCG कंपनी है, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है। ये तो वही बात हो गई कि तुम मुझसे बोलो कि मैं बना दूं एक सैटेलाइट, मेरा वो स्पेशलाइजेशन नहीं है बेटा ना। 27 क्वेश्चन। व्हेन अ बैंक चूज द रॉन्ग स्ट्रेटजी और फॉलो अ लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी विच माइट लीड टू इट्स फेल्योर, इट इज कॉल्ड, ऐसे रिस्क को हम क्या बोलते हैं? देख लीजिए, मैंने पहले भी ये पढ़ाया हुआ है, और इसका आंसर क्या होगा? काजल बेटा, आपने 60+ अटेम्प्ट किसमें किए, कौन से एग्जाम में किए जरा बताएंगे? SBI PO में किया, LIC किसमें किया जरा बता दीजिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दें, 27 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? मार्केट रिस्क तो नहीं है, ना, ये ऑपरेशनल रिस्क है, ये है बिजनेस। जिस बच्चों ने मेरा रिस्क वाला टॉपिक नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलायंस कैपिटल टू सेल इट्स स्टेक इन म्यूचुअल फंड टू जापानीज पार्टनर निप्पो लाइफ इंश्योरेंस फॉर हाउ मच अमाउंट? रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड से अलग हो रहा है, मतलब रिलायंस अपना म्यूचुअल फंड का जो कंपनी था रिलायंस म्यूचुअल फंड, उसके शेयर बेच रहा है निप्पो लाइफ इंश्योरेंस को, तो कितने में बेच रहा है ये आपसे पूछा गया है। वैसे मैं कह दूं 32.12% स्टेक जो है इसका, ये बेच रहा है निप्पो को अपना स्टेक, कितने अमाउंट में ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ₹6,000 करोड़ रुपए में ये अपना स्टेक बेच रहा है। देखिए तो 4520 का मतलब क्या हुआ, इसमें 32% शेयर ये बेच रहा है किसको, ये बेच रहा है निप्पो को, और बाकी का जो आपका 10.76% शेयर है ये बेच रहा है अदर फर्म्स को, ठीक है। तो टोटल 6000 करोड़ रुपए SBI रेस कर रहा है मार्केट से, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। When the action can lead to the entire financial system coming to a standstill, it is called. मतलब कि जब आपके पूरे देश का जो financial system है वो crash हो जाए, वो पूरा बर्बाद हो जाए, तो इस तरह के risk को हम क्या बोलते हैं? Systematic risk, market risk, equity risk या business risk? यही मैंने पढ़ाया है। हर्ष, मैंने पढ़ा लिया है बेटा, एक बार सर्च कर लीजिए टाइप्स ऑफ रिस्क बाई अभिजीत सर YouTube पर, तो आपको मिल जाएगा मेरी क्लास। इंशा मलिक एंड यू आर रॉक स्टार ऑल्सो, आप सब रॉक स्टार हैं, तभी तो हम आते हैं आपके लिए यहाँ पर, मेहनत करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एंड द आंसर इज सिस्टमैटिक रिस्क। तो जब पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक साथ क्रैश हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, ना कि मार्केट रिस्क। बहुत मार खाओगे तुम लोग, ये सब पढ़ाए तुम लोग को। चलो आगे बढ़े, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। 30th क्वेश्चन।
Which insurance company has been conferred with the FICCI Claim Excellence Award 2019? ये भी पॉइंट पढ़ाया गया है, हमारे ही करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आंसर दें क्या इसका आंसर होगा। अपने मन से नहीं बेटा, मेरी बातें भी सुन लो, सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, याद कर लो बाबू लोग। हाँ जूली शर्मा, मैंने कमेंट देख लिया आपका, ठीक है आप बोल रहे हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन जूली क्या आप सही आंसर दे रही हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेम द कंपनी विच बिकम्स द स्पॉन्सर ऑफ इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर एशिया कप 2019। ये एशिया कप 2019 नेपाल में होने वाला है, और इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम को कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है, ये आपसे पूछा गया है। काजल ठाकुर जी, मैं आपका देख नहीं पाया कमेंट, मुझसे बड़ी गलती हो गई, एक बार फिर से आप कमेंट कर दें ताकि मैं देख सकूं। और अरविंद हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई थिंक आप आंसर दे रहे थे, हेलो इज राइट आंसर, तो हेलो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है समझ गया भाई, नाराज मत होना। चलो रेड बस नहीं है जी, अपने आप रेड बस हो गया। चलो 32nd क्वेश्चन, ओला लॉन्चेस क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विथ विच बैंक। तो ओला इसमें से किस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ एक अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, ये आपसे वो बताना है। आंसर क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अरविंद बोल रहे हैं फाइन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओला। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 33rd क्वेश्चन की, गूगल हैज अनाउंस्ड सस्पेंशन ऑफ इट्स सर्विसेज विद विच टेक्नोलॉजी जायंट। तो गूगल ने इस कंपनी के अपने सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ सारी डील कैंसिल कर दी है। ये कंपनी कौन सी है ये आपको बतानी है, अलीबाबा है, शियोमी है, बाइडू है या हुवाई है, क्या इसका आंसर हुआ देख लीजिए यहाँ पर गाइस, जल्दी जल्दी आंसर करें और सेशन को लाइक करते रहें। अगर आपको ये सेशन और आगे देखना है तो अपने दोस्तों यारों के साथ, सखी सहेलियों के साथ सेशन को जरूर शेयर करें, जरूर करें। ठीक है एंड द आंसर इज हुवाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हुवाई ने बोला भी यूएसए कि आप लोग लिमिट से आगे बढ़ रहे हैं, इसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं 34 क्वेश्चन की, तो हु लॉन्च अ स्कीम नेम्ड हर्ट HEART टू मेंटर रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनीज। क्या आप लोग हर्ट का फुल फॉर्म सुना जाते हैं? तो हर्ट का फुल फॉर्म है HDFC अफोर्डेबल रियल इस्टेट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। चलिए आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा, और आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, और आंसर अभी अपने मन से आ रहे हैं। चैतन्य बोले HDFC कैपिटल, क्या ये सही आंसर है? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर HDFC कैपिटल होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन विदड्रॉ द लीगल टेंडर ऑफ एनी बैंक नोट अंडर विच सेक्शन ऑफ RBI Act 1934। मतलब जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आज रात 12 बजे से 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के किस सेक्शन में आरबीआई को पावर दिया है कि आरबीआई किसी भी करेंसी को लीगल टेंडर में से हटा सकता है, ये आपसे पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो यहां पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, सेक्शन 26 एंड क्लॉज 2। एक्चुअली में सेक्शन 26 क्लॉज 1 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीगल टेंडर मनी का मतलब समझाया है, और क्लॉज 2 में आरबीआई को पावर है कि वो विड्रॉ कर सकता है किसी भी करेंसी को एज ए लीगल टेंडर ऑफ बैंक नोट। ठीक है याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े और बात करते हैं अपने 36 क्वेश्चन की, वॉट इज द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फोरकास्टेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो अभी 3-4 दिन पहले जो आरबीआई की रिव्यू आया है जो मॉनिटरी पॉलिसी का, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश की ग्रोथ रेट को 7.2% से कम करके कितना परसेंट कर दिया है, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा। हरिओम सिंह जी आपने बिल्कुल सही कहा था, आप तो सही ही है, है ना, हरिओम नाम ही है आपका, जिसमें हरि भी हो और ओम भी हो। चलिए आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज 7%, 7% इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द प्राइस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज वन फॉर 2019-20 एट रुपीज हाउ मच पर ग्राम। देखिए गोल्ड बॉन्ड लॉन्च क्यों किया जाता है, देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन गोल्ड हमारे देश में नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हमारे देश के इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा और यह इंपोर्ट डॉलर में होगा, यानी कि आरबीआई को डॉलर देना पड़ेगा बाहर, मतलब कि आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी कम होगा और डॉलर मजबूत होगा, रुपीस कमजोर होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड बॉन्ड लॉन्च कर दिया है। सेम वही चीज है, बस आपको अब फिजिकल गोल्ड ही मिलेगा, आपको पेपर पे गोल्ड मिलेगा, वैल्यू सेम रहेगी। कितने ग्राम ये आपसे पूछा गया, एंड द आंसर इज 3196। बहुत सही, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the GDP growth of India for the financial year 2020 as per the United Nations report World Economic Situation and Prospect 2019 mid-year update? तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने रिपोर्ट में 2019-20 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट को कितना फोरकास्ट किया है, ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर आपको देना है। जी हाँ, सचिन, इंडिया अभी 11th नंबर पे है गोल्ड रिजर्व के मामले में। प्रिया, क्लासेस 3 o'clock पे होती है हमारी डेली। आदर्श कुमार, आपके क्वेश्चन है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है बेटा। और इसका आंसर क्या होगा, ये यूनाइटेड नेशन का है, ध्यान देना, इसका आंसर क्या है, 7.1%। 7.1% इज राइट आंसर, याद रखिएगा, 7.1% इज राइट आंसर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की हम बात कर रहे हैं, नाम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, नाम IMF की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई वॉट परसेंट डज द बैंक क्रेडिट ग्रो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जैसे 2017-18 में बैंकों ने मान लीजिए 100 रुपए का लोन दिया, 2018-19 में बैंकों ने कुछ और अमाउंट बढ़ा के लोन दिया, तो 2018-19 में जो बैंक लोन बांट रहे थे कितने परसेंट का ग्रोथ था लोन में, ये आपसे पूछा गया। आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर क्या इसका आंसर होगा, यहां पर आंसर आने शुरू हो गए। प्रियंका का पहला आंसर आया है भाई, क्या इसका आंसर देख लीजिए, एंड द आंसर इज, तो आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा बस आ गया आंसर आपके सामने, एंड द आंसर इज 13.24%। 13.24% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड फॉर 2018-19। मतलब अगर आपके पिताजी या आप खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपका पीएफ कटता है ना, वो कट के गवर्नमेंट के पास जाता है, तो आपको ईपीएफओ उस पीएफ पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट देगा, ये आपसे पूछा गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदर्श भैया, लव यू टू, आंसर दे, क्या इसका आंसर हुआ, देख लीजिए यहां पर। एक क्लास उत्कृष्ट, एक क्लास ले लेंगे। तुम फोन पे पूछ लेना, फोन तुम उसे करते रहते हो तुम। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8.65%। 8.65% इज राइट आंसर, नॉट 8.55, बढ़ गया है, 8.65% हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम वॉज ग्रोन फॉर द ईयर 2019 एज पर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भी कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं और वो प्रीमियम देते हैं कंपनीज को, तो 2019 में प्रीमियम के रेट में प्रीमियम में कितना बढ़ गया, मतलब अगर हम 2018-19 के जनवरी फरवरी मार्च के हम अमाउंट को देखें और 18-19 का देखें तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई, आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर गाइस, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 11%। 11% इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, हम आगे बढ़े और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 42 क्वेश्चन। यूनियन गवर्नमेंट रिटेन्ड द इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड एट विच परसेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो अगर हम जीपीएफ की बात करें, जनरल प्रोविडेंट फंड की बात करें, तो इस पे कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर भी देना है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8%। 8% ये जीपीएफ क्या है, आप लोग जब पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हो पीपीएफ अकाउंट में, उसकी बात हो रही है, 8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आईएमएफ कट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इज, मतलब आईएमएफ ने पहले 7.5% ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था, वो कितना परसेंट हो गया, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। एंड द आंसर इज 7.3%। 7.3% आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़े और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आरबीआई ग्रेड बी का आ जाएगा नोटिफिकेशन, परेशान मत होइए। चलिए, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक रिपोर्ट इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2019 इज, ये आप लोग को अच्छे से पता है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपको पता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस सेशन को पूरा। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7.2%, 7.2% इज राइट आंसर, पीडीएफ नहीं है, सॉरी फॉर दैट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, फिच कट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 इज, यानी फिच ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कितना कर दिया है, ये आपसे पूछा गया, फिच की हम बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6.8%, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, फिच की हम बात कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 46 क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू कॉइन विथ विच ऑफ द डिनोमिनेशन इन 12H पॉलीगन शेप, तो क्या क्या इसका आंसर, ये भी आप बता दीजिए, आपको ये पता होगा, पढ़ाया गया क्वेश्चन है ये, और आपको पता है कि 20 रुपीस का नया क्वाइन आया है, तो ये तो ठीक है। आगे बढ़े और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा 47 क्वेश्चन, तो हु पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का रिपोर्ट कौन निकालता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये बॉडी कौन सी है, ये है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 48 क्वेश्चन की, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज सिचुएटेड एट, तो WADA, वाडा, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपसे पूछा गया है, और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा गाइस, इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल कनाडा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन भी है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, लुआंडा किस देश की कैपिटल है, ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अंगोला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बिशोन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये बिशोन नेशनल पार्क जो है ये किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है, और आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना भी है, एंड राइट आंसर इज त्रिपुरा, ठीक है गाइस। तो ये था आपका सेशन, कल फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में मिलते हैं फॉर करंट अफेयर्स, और सबको इस सेशन के बारे में बता दीजिएगा, जब भी आपका ये सेशन होगा मैं आपको पहले बोल दूंगा, लेकिन आप मान के चलिए कि मंडे को आपका सेशन होगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर पेशेंस, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेंस लेवल के कंटेंट आपको हम देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको भी बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं कल 7:30 पे, तब तक के लिए खूब पढ़िए, अच्छा इंसान बनिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, थैंक यू सो मच गाइज़।